चेंज इन, देखो क्या क्या, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कैपेसिटर है, ये है एक कैपेसिटर, चलो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसकी एयर में कैपेसिटेंस क्या है? सी नॉट, ठीक, एयर में कैपेसिटेंस सी नॉट है, इसके अंदर एयर है, बीच में सी नॉट, चार्ज है क्यू नॉट, तो एयर में, इन एयर सी बराबर सी नॉट, चार्ज बराबर क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई नॉट, देखो मैं सब में नॉट लगा रहा हूं, मतलब एयर वाली चीज है, और पोटेंशियल डिफरेंस वी बराबर वी नॉट और यू बराबर यू नॉट, ये हमें इतना दिया है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द न्यू क्या, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कब? व्हेन इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, मतलब यहां पे पूरा भर देना है, डाइलेक्ट्रिक से भरना है, तो क्या क्या चेंज आएंगे ये सीखना है। अब इसमें दो केस होते हैं, कौन कौन से दो केस होते हैं तो देखते हैं, दो केस क्या है, जब यहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप भर रहे हो तो भरते टाइम बैटरी हटी है, मतलब हमने क्या किया एक्चुअली में, ये कैपेसिटर इसको बैटरी से जोड़ा, जोड़ दिया, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक, बैटरी जोड़ा, अब हमने क्या किया इसको चार्ज दे दिया, देखो बैटरी से, ये बैटरी जोड़ के हमने क्या कर लिया था, बैटरी जोड़ के चार्ज दे दिया था, कितना, तो चार्ज है क्यू नॉट, कैपेसिटेंस सी नॉट, वो तो बैटरी थोड़ी पता होता है कैपेसिटेंस को, सी नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में ई नॉट और एनर्जी स्टोर्ड इनके बीच में यू नॉट, ये सब दिया है, ठीक, पहले समझो क्वेश्चन में क्या है, ये है यहां पे दिया है, ठीक, मतलब हमारे पास जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से हमने कितनी चीजें दे दी है, ठीक, क्लियर, अब बैटरी से दे दी हमने इतनी चीजें, देखो ये बैटरी से हमने इतनी चीजें इसको दे दी, अब हम क्या करें, अब हमें यहां बीच में जो एयर है ना उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देना है, बस कितना सा काम करना है, ठीक, अब ठीक है चलो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दे रहे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरते टाइम हमें यह देखना है कि बैटरी को हम जोड़े रखे हैं या हमने बैटरी को हटा दिया, चार्ज तो दे दिया, चार्ज आ गया, बैटरी हटाने से इसका चार्ज थोड़ी खत्म हो जाएगा, चार्ज है, लेकिन अब हमें इसको वो भरना है, डायरेक्ट्रिक भरना है, तो क्या क्या चेंज आएंगे, चार्ज में क्या चेंज आएगा, एनर्जी में क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, ये सीखना है, कब, जब डायरेक्ट्रिक भरते टाइम पहला केस बैटरी हटी है, बैटरी हटी है, दूसरा केस बैटरी जुड़ी है, ये दो केस है, ठीक, तो चलो देखते हैं आप, तो ये भी लिख लेना, ये मैं लिख रहा हूं, यहीं पर बना लेना, ठीक, ये वाला डायग्राम यहां बना लेना, आप देखो ध्यान से, पहला केस, तो केस फर्स्ट कौन सा है, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब आइसोलेट कर दिया हमने उसको कैपेसिटर को, मतलब ये कौन सा कैपेसिटर है बेटा, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ठीक, अच्छा कॉमन सेंस की बात है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, जब बैटरी हटी होती है, एक बार आपने कैपेसिटर को चार्ज दे दिया और फिर बैटरी हटा ली, एक बार आपने कैपेसिटर को चार्ज दे दिया और बैटरी रिमूव कर दी है ना, तो उसका कभी भी प्लेट का चार्ज नहीं बदल सकता, याद है, क्योंकि चार्ज कौन बदलेगा, बैटरी तो ट्रांसफर करती है चार्ज, तो एक बार बैटरी चार्ज दे दिया वही लगेगा, मतलब चार्ज इस केस में मैं ये बता चुका हूं, चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट ही यही है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक, तो मैं यहां पर पार्टिसिपेंट को पार्टिसन कर रहा हूं, क्या यहां एयर कैपेसिटर और यहां पे कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक, ठीक, चलो देखते हैं, तो सबसे पहले एयर कैपेसिटर, तो पहले तो बताओ चार्ज, चार्ज क्यू बराबर एयर कैपेसिटर का चार्ज क्या था, क्यू नॉट, ठीक, नंबर एक चार्ज, चलो अब यहां पे चार्ज बताओ नया क्यू डैश बराबर, अभी हाल बताया था मैंने, बैटरी जब जुड़ी ही नहीं है, चार्ज दे के क्यू नॉट चार्ज दे दिया, क्यू नॉट चार्ज दे दिया था, अब
लेके हटा ली तो अब चार्ज कहां से आएगा, उसका चेंज नहीं हो सकता, मतलब क्यू डैश बराबर भी क्यू नॉट, नया चार्ज भी क्यू नॉट होगा। ठीक, चलो अब दूसरी बात क्या कर सकते हैं, तो सी बराबर एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या सी नॉट। और अभी मैंने प्रूफ किया है कि जब तुम इसको पूरा ये कंप्लीटली फिल्ड है ऑन इंड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड ध्यान रखना कंप्लीटली फिल्ड की बात कर रहे हैं, तो जब तुम कंप्लीटली फिल्ड कर दोगे तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स लिख लेना यहां पे कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर ऑन इंड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, यहां पे लिख देना कंप्लीटली फिल्ड। तो दूसरे केस में यहां पे सी डैश जो होगी बेटा के टाइम्स हो जाती है, अभी तो प्रूफ किया था जब कंप्लीटली फिल्ड करते तो सी बराबर के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई ए, और पार्शियली फिल्ड करते हो तो फॉर्मूला था सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन नीचे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, तो ये हो गया दो चीजें, सी डैश बराबर के टाइम्स हो जाएगा सी नॉट। चलो तीसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बोलो वी नॉट, ये क्या लिखा है वी नॉट। अब बैटरी अगर जुड़ी रहती, समझो क्या ये कैपेसिटर है, अगर मैंने यहां पे बैटरी जोड़ दी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है डी, मतलब यहां वी वन और यहां वी टू और ये वी वन माइनस वी टू, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा वी इसके बराबर। अब तुम चाहे कुछ भी कर दो, कुछ भी करो, लेकिन इस प्लेट का पोटेंशियल वी वन ही रहेगा और इस प्लेट का पोटेंशियल वी टू ही रहेगा, कब तक, जब तक बैटरी जुड़ी है, बैटरी हटा दो तो अब इसका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है आपको, है ना। तो समझो ध्यान से, बैटरी जब तक जुड़ी रहती है तब तक बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, लेकिन बैटरी हटा दी अब तुम कुछ करोगे तो चार्ज नहीं बदलेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बराबर बोलो तो क्यू नॉट, वी बराबर क्या होता है क्यू बाई सी, तो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। अब देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नया वाला वी डैश बराबर, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश बराबर, नया चार्ज अपॉन क्या करता है तो क्यू डैश अपॉन सी डैश, लेकिन क्यू डैश तो पहले ही वाला रहेगा क्योंकि बैटरी हटी हुई है, तो क्यू नॉट अपॉन सी डैश कितना है के टाइम्स सी नॉट। देखो के टाइम फिल कर दिया ना पूरा डायरेक्ट कर दिया, तो क्या होगा चार्ज तो वही है, कैपेसिटेंस कम हो गई तो फिर ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो बराबर क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। देखो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट था पहले वाला वी नॉट, जब डायरेक्ट नहीं भरा था बैटरी से जोड़ के हटा दी थी बैटरी, तो चार्ज आ गया था क्यू नॉट कैपेसिटेंस सी नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस था वी नॉट, और अब भर दिया तो ये देखो ये क्यू नॉट अपॉन सी नॉट था पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट अपॉन, देखो के मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नया वाला कम हो गया वन अपॉन के टाइम्स हो गया। ठीक, चलो चौथी बात इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि पहले v नॉट बराबर q नॉट अपॉन सी था, तो q डैश अपॉन सी डैश, तो q डैश की वैल्यू तो पहले वाली है q नॉट और सी डैश हो गई k सीधा, तो q नॉट अपॉन सी नॉट हो गया v नॉट अपॉन k, तो यहां v डैश लिखा v नॉट अपॉन k और ये d। अब देखो v नॉट अपॉन d क्या है, ये पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या बोलोगे e नॉट, तो ये क्या हो जाएगा e नॉट अपॉन k, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 अपॉन k टाइम्स हो गई। अच्छा लास्ट चीज फिर पांचवी एनर्जी, तो बेटा एनर्जी u नॉट बराबर, अब इसमें एनर्जी के तो तीन फॉर्मूले थे q स्क्वायर अपॉन टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ वी क्यू थे, तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या है ये बताओ, तो चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वैसे कोई भी लगा दो सबसे सेम ही आएगा, लेकिन क्यों लगा देगा चार्ज कॉन्स्टेंट, तो वही लगा देगा q अपॉन q स्क्वायर अपॉन टू सी, तो ये हो जाएगा q नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट। तो यहां एनर्जी क्या आएगी, यहां एनर्जी u डैश बराबर हो जाएगा q डैश स्क्वायर अपॉन टू सी डैश, और q डैश देखो वही है पुराने वाला q नॉट, तो यहां हो जाएगा q नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी डैश, लेकिन सभी लोगों को 100% क्लियर हो गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको। इसमें एक केस फर्स्ट था जब बैटरी हटा देते हैं और तब डायरेक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आए, चार्ज नहीं बदलेगा, इतनी बात ध्यान रखना है बस, बाकी सब बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगा के निकालोगे ये याद होना चाहिए सबको। ठीक, चलो अब हमने क्या किया, इसी कैपेसिटर को देखो ये बैटरी से जोड़ के चार्ज दिया, और अभी क्या किया था बैटरी हटा के फिर डायरेक्ट भरा था, लेकिन अब हम बैटरी जोड़ के रखेंगे और फिर डायरेक्ट भरेंगे। ठीक, तो क्या होगा, बैटरी जुड़ी है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका नहीं बदल सकता चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, समझ गया ना, यहां पे एक्चुअली मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बदल गया, क्योंकि क्यू डैश अपॉन सी डैश, तो सी तो के टाइम्स होना ही है, बैटरी जोड़ो चाहे हटाओ डायरेक्ट भर रहे हो तो के टाइम्स होगी, तो सी डैश तो के टाइम्स हो गई पहले वाले की, लेकिन चार्ज नहीं बदल पाया, लेकिन अब तुम बैटरी जोड़ के रखे हो
तो जब तुम बैटरी जोड़ के रखोगे तो कैपेसिटर में भरोगे, वो डायरेक्टर भरोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा उस पे, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पे क्यू डैश भी बढ़ेगा और सी डैश भी बढ़ेगी। तो देखते हैं कैसे बढ़ेगी, कितनी, क्या होगा, देखते हैं। तो चलो, तो इसमें क्या करना है, केस सेकंड क्या लिखा, केस सेकंड है व्हेन बैटरी इज कैप्ट कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कैप्ट कनेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट स्लैब। तो यहां आप चार्ज नहीं, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी तो चार्ज बहुत ज्यादा फ्लो कर सकती है, अगर कैपेसिटर बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो चार्ज ज्यादा चलेगा। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस कांस्टेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन का स्टेटमेंट क्या है, लिखना है बैटरी मेंटेन्स द वोल्टेज, ये कई बार बोल चुका हूं, बैटरी मेंटेन्स द वोल्टेज, एनी हाउ किसी भी तरीके से बैटरी मेंटेन्स द वोल्टेज। चलो, तो ये तो एयर कैपेसिटर की है, ये वाले तो ऐसे ही रहेंगे, यहां चेंज होने हैं, ठीक। तो चलो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा देखना। अब इसका सबसे पहले नंबर एक, पहले क्वांटिटी बताओ जो हमें पता है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या, V नॉट, ये था ना बैटरी से V, बैटरी का V नॉट था, ये V नॉट दे दिया था। अब देखो इसका नंबर एक पोटेंशियल डिफरेंस V डैश मानेंगे, तो V डैश बराबर, मैंने बोला कि बैटरी जुड़ी है तो नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, V नॉट क्या है, ये कॉन्स्टेंट, पहले क्या था कॉन्स्टेंट, जब बैटरी हटा के डायरेक्ट भरा था तो चार्ज कॉन्स्टेंट था। नंबर टू कैपेसिटेंस, थोड़े ना मतलब है कि तुम बैटरी जोड़े हो क्या हटाए हो, कैपेसिटेंस तो डायरेक्ट मीडियम पे डिपेंड करती है और ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, तो कैपेसिटेंस क्या थी, सी नॉट। तो इसमें बताओ सी डैस वाला नई कैपेसिटेंस, डायरेक्ट भर दिया तुमने तो मैंने अभी क्या प्रूफ किया था, के टाइम्स हो जाती है, तो के टाइम्स ऑफ सी नॉट, ठीक। अब इसका चार्ज, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बराबर क्या था, क्यू नॉट, और क्यू नॉट था कितना, क्यू नॉट था कितना, क्यू नॉट था सी नॉट वी नॉट, पहले सी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस था एयर में और कैपेसिटेंस सी नॉट, तो क्यू नॉट कितना, सी नॉट, नॉट। चलो अब इसमें चार्ज नया वाला, तो क्यू डैश बराबर, देखो बेटा क्यू डैश बराबर नई सी नई वी, मतलब सी डैश वी डैश, तो नई सी तो के टाइम्स हो गई, तो के सी नॉट, नई सी डैश क्या, देखो के टाइम्स ऑफ इनिशियल, और नया पोटेंशियल डिफरेंस वो तो बदल नहीं सकता, बैटरी जुड़ी है तो वी नॉट ही रहेगा, मतलब ये क्या हो गया, क्यू डैश बराबर के टाइम्स के बाहर, और ये देखो सी नॉट वी नॉट, तो k टाइम्स ऑफ q नॉट, मतलब इसमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन k टाइम्स हो गया था, बैटरी हटी होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन k टाइम्स हो गया था, अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, चार्ज हो गया 1 अपॉन k टाइम्स नहीं k टाइम्स, ठीक। तो कैपेसिटेंस चाहे पहले वाला केस हो चाहे दूसरे वाला केस हो, दोनों में k टाइम्स होती है, लेकिन पहले वाले केस में जब बैटरी हटी होती है तो सारी चीजें चार्ज को छोड़ के, चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस डबल और बाकी सब 1 अपॉन k टाइम्स, और इसमें कैपेसिटेंस के टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट और बाकी सब के टाइम्स हो जाएंगे, देखो आप निकालते हैं सब के टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बराबर क्या होगा, वी डैश अपॉन डी, वी डैश अपॉन डी, अब बताओ वी डैश तो वी है, तो वी नॉट अपॉन डी, नो चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से चेंज हो जाएगी, वी बराबर ई इनटू डी तो होता है, एनर्जी क्या है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं जो इसका फॉर्मूला लगाऊं क्यू वाला से दिया जाएगा, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, हाफ सीरीज पर लगा दे, तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, अब इसका यू डैश बराबर, तो हाफ सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर, अब वैल्यू रखो तो बराबर हाफ सी डैश के टाइम्स के सी नॉट, और वी डैश नो चेंज वी नॉट स्क्वायर, मतलब के टाइम्स ऑफ दिस, मतलब कि नई पोटेंशियल एनर्जी यू डैश बराबर के टाइम्स ऑफ यू नॉट, दैट्स ऑल, ठीक। तो आई थिंक सभी लोग इतनी बातें आज की 100% समझ गए होंगे, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना।